पार्टी के सीनियर नेताओं को मैदान में उतारकर क्या संदेश देना चाहते हैं अमित शाह? जानें इन 9 अहम सीटों का सियासी समीकरण। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले पार्टी के सीनियर लीडर और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा के रण में उतार कर साफ कर दिया है कि पार्टी हर हाल में मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय सरीखे नेताओं को टिकट देकर पार्टी न केवल एक सीट बल्कि उस सीट पर जिस पर ये नेता चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास की तकरीबन 5-5 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भी परोक्ष तौर पर सौंप रही है। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के नेताओं में इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, कृष्ण मुरारी मोघे और सत्यनारायण सत्तन, महेंद्र हार्डिया जैसे नेता वरिष्ठ भाजपा नेताओं की श्रेणी में है। आकाश विजयवर्गीय का राजनीतिक भविष्य क्या? वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने एबीपी लाइव से चर्चा में बताया कि कैलाश विजयवर्गीय का टिकट फाइनल होने के बाद अब आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलेगा या नहीं, इसे लेकर संशय समाप्त हो चुका है और वे अब विधानसभा 3 से दावेदारी शायद ही करें। डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि आकाश के चुनाव न लड़ने की स्थिति में इंदौर की बीजेपी की मौजूदा 3 नंबर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। ऐसे में यहां पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपने बेटे मंदार महाजन के लिए टिकट की मांग कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ताई फिलहाल सक्रिय राजनीति में नहीं है लेकिन अपने बेटे के लिए वे टिकट की दावेदारी कर सकती हैं। इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बात करते हुए डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर में बीजेपी कांग्रेस के वनस्थ मजबूत नजर आते हैं क्योंकि यहां से 8 बार भाजपा सांसद और 5 बार से भाजपा नगर निगम पर हावी है। वहीं 9 में से महज 2 विधायक ही कांग्रेस के खेमे से हैं। इंदौर की सभी 9 विधानसभाओं की मौजूदा हालत, इंदौर जिले की बात करें तो इंदौर में 9 विधानसभा सीटें हैं जिनमें देपालपुर इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5, डॉक्टर अंबेडकर नगर महुराऊ और सांवेर विधानसभा शामिल हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।